Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 11 of complex analysis by Denizen Solutions. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 17 टू 26 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन z की पावर 4 प्लस 1 व्हिच इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमने इस इक्वेशन के तमाम सॉल्यूशन फाइंड करने, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले आप इस इक्वेशन को z की वैल्यू के लिए सॉल्व करें। यहां पर हमें गिवन है z की पावर 4 प्लस 1 व्हिच इज इक्वल टू 0। पहले आप 1 को राइट हैंड साइड पर लेके आएंगे, यहां से मैसल होगा z की पावर 4 व्हिच इज इक्वल टू -1। फिर इस 4 को कैंसिल करने के लिए यहां पर हम पावर में लेंगे 1/4, तो फिर 4 से 4 कैंसिल, सिंपल हमें z की यहां पर वैल्यू मिल जाएगी व्हिच इज इक्वल टू -1 की पावर 1/4। इससे प्रीवियस लेक्चर में जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूट्स फाइंड करते आए हैं, तो यहां पर भी हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स फाइंड करने। यहां पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर -1 गिवन है, जिसके यहां पर हमने 4 रूट फाइंड करने। तो यहां से जो हमें 4 रूट्स हासिल होंगे वही इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। पहले आप क्या करेंगे कि -1 को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यहां से मैसल होगा cos pi + iota sin pi। यहां से आप फाइंड करेंगे थीटा, थीटा यहां से हमारे पास है पाई के इक्वल है और r की वैल्यू 1 की इक्वल है। और यहां से स्टूडेंट्स आप n की वैल्यू कैसे कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या है 4। बिकॉज हमने 4 रूट फाइंड करनी है तो यहां पर n की वैल्यू क्या है 4 है। तो फिर आप यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे w के, तो यहां पर आप w भी इसको पढ़ सकते हैं या ओमेगा के भी पढ़ सकते हैं। ओमेगा के व्हिच इज इक्वल टू r की पावर 1/n इनटू cos थीटा प्लस 2k पाई ओवर n प्लस iota sin इनटू थीटा प्लस 2k पाई ओवर n। यहां पर आप k की वैल्यूज पुट करेंगे, 0 से आप स्टार्ट करेंगे, तो w नॉट ये हमारे पास क्या होगा फर्स्ट रूट होगा, तो ये भी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यहां पर आप k की वैल्यू 0 पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू 5 पुट करेंगे, r की वैल्यू 1 पुट करेंगे और n की वैल्यू 4 पुट करेंगे। ये आ जाएगा 1 की पावर 1/4 इनटू cos pi + 0/4 + iota sin इनटू pi + 0/4। जब आप यहां पर k की वैल्यू 0 पुट करेंगे ये टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिंपल स्टूडेंट्स यहां पर आ जाएगा cos pi / 4 + iota sin pi / 4। यहां पर आप ई की वैल्यूज पुट करेंगे cos pi / 4 की और sin pi / 4, तो यहां पर आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट + iota 1/2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास पहला सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। नेक्स्ट आप यहां पर k की जगह 1 पुट करेंगे, जब आप k की जगह 1 पुट करेंगे स्टूडेंट्स फिर हमें यहां पर सिंपल 2 पाई ऐड करना होगा, तो पाई प्लस 2 पाई ये बन जाएगा 3 पाई बाय 4। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी cos 3 पाई बाय 4 प्लस iota sin 3 पाई बाय 4। फिर आप cos 3 पाई बाय 4 की वैल्यू पुट करेंगे और sin 3 पाई बाय 4 की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट में यहां पर सेकंड सॉल्यूशन आ जाएगा -1/2 स्क्वायर रूट प्लस iota 1/2 स्क्वायर। तो ये सेकंड सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। नेक्स्ट आप k की जगह 2 पुट करेंगे तो फिर स्टूडेंट्स आपको यहां पर 4 पाई ऐड करना होगा, बिकॉज यहां पर हमें गिवन है 2k पाई। जब आप k की वैल्यू 2 पुट करेंगे ये सिंपल बन जाएगा स्टूडेंट्स 4 पाई बन जाएगा। तो आप थीटा के साथ ये 4 पाई ऐड करेंगे, 4 पाई प्लस पाई ये बन जाएगा 5 पाई बाय 4। तो यहां पर आ जाएगा cos 5 पाई बाय 4 प्लस iota sin 5 पाई बाय। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे ये आ जाएगी -1/2 स्क्वायर रूट माइनस आयोटा 1/2 स्क्वायर। तो ये इसका थर्ड सॉल्यूशन है। इसी तरह आप फिर k की वैल्यू
3 पुट करेंगे तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स 6 पाई ऐड करेंगे, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 4, तो फिर आप स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से हमें ये फोर्थ रूट हासिल होगा। तो ये फोर्थ रूट भी स्टूडेंट्स इस इक्वेशन का सोल्यूशन। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी इक्वेशन गिवन हो जिसके लिए आपको कहा जाए कि इसके सोल्यूशन फाइंड करें, तो पहले आप उसको सिंपल जेड की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे और फिर वहां से आपको एक कम्प्लेक्स नंबर की कोई पावर मिलेगी, फिर आप पावर को सॉल्व करेंगे तो फिर आपको ये सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो ऑल सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन जेड की पावर 4+1 विच इज इक्वल टू 0 और z1, ये z1 की सोल्यूशन है, इस तरह z2 की सोल्यूशन है, इसी तरह z3 भी और z4। ये हमने स्टूडेंट्स तमाम रूट्स फाइंड किए हैं, तो यही रूट्स इस इक्वेशन के क्या आएंगे, सोल्यूशन आएंगे। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप कोई यहाँ से एक सोल्यूशन ले लें उसकी पावर 4 लें तो वो हमेशा हमारे पास क्या आएगा, -1 में, और यहाँ पर आप फिर ऐड करेंगे +1, ये सिंपल यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये आपने खुद वेरीफाई कर लेना है कि आपने कोई एक कम्प्लेक्स नंबर यहाँ से लेना है, z1 ले लें, z2 ले लें या z3 ले लें, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर ले लें, उसकी पावर आप पहले 4 कैलकुलेट करेंगे, वो हमेशा क्या आएगी, -1 में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर हमें गिवन है यूज द फैक्ट दैट 8 iota विच इज इक्वल टू 2+2 iota की पावर 2। यहाँ पर वो कह रहा है कि 8 iota इसके इक्वल है 2+2 iota की पावर 2। तो इस फैक्ट को हमने यूज करते हुए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें इस 8 iota की वैल्यू गिवन है, वो है 2+2 iota square। तो इसे यूज करते हुए हमने इस इक्वेशन के तमाम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें गिवन है 8 iota विच इज इक्वल टू 2+2 iota square और इसी तरह स्टूडेंट्स अब हमने इसी को यूज करते हुए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर गिवन है z² - 8z + 16 विच इज इक्वल टू 8 iota। तो z² - 8z + 16 ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ये इक्वल है z - 4 का स्क्वायर। जब आप ये स्क्वायर ओपन करेंगे ये सिंपल हमारे पास क्या आएगा, z² - 8z + 16 आएगा। और फिर स्टूडेंट यहाँ पर मैंने 8 iota की वैल्यू पुट कर दी है, वो है 2+2 iota square और यहाँ से हमें ये मिला है कि z - 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2+2 iota का स्क्वायर। फिर आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास यहाँ से आएगा z - 4 विच इज इक्वल टू +-2+2 iota, ठीक है। जब आप इस चीज को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ये मिलेगा z - 4 विच इज इक्वल टू +-2+2 iota। फिर आप एक दफा प्लस में लेंगे फिर एक दफा नेगेटिव में लेंगे, यहाँ पर हमने एक दफा प्लस में ली है वैल्यू यानी z - 4 विच इज इक्वल टू 2+2 iota और यहाँ पर हमने एक दफा नेगेटिव में ली। जब यहाँ पर आप नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो ये टोटल ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ये दोनों भी नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव है तो ये बाहर नेगेटिव था तो इसलिए ये दोनों वैल्यूज क्या हो चुकी हैं, नेगेटिव हो चुकी। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ z, फिर यहाँ से हम स्टूडेंट 4 को राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे, ये बन जाएगा 4+2+2 iota, 4+2 6, 6+2 iota। तो ये पहला सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। इसी तरह फिर आप यहाँ से जो -4 है इसको राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे, ये +4 हो जाएगा, 4-2-2 iota, तो यह आ जाएगा 2-2 iota। तो ये इसका सेकंड सॉल्यूशन। तो ये हमें इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं, ठीक है। इसको आप z1 कह लें, इसको आप z2 कह लें, तो z1 एंड z2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन बाय यूजिंग दिस फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19,
यहां पर इसका पहला पार्ट है, शो दैट द nth रूट ऑफ यूनिटी आर गिवन बाय 1 की पावर 1 ओवर n, विच इज इक्वल टू cos 2 के पाई ओवर n प्लस एटा साइन 2 के पाई ओवर n, वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सम n माइनस 1। यहां पर हमने पहले पार्ट में ये शो करना है कि जो nth रूट ऑफ यूनिटी है, यूनिटी यहां पर 1 है, ठीक है। हमने 1 के जो nth रूट है उनको हमने इस इक्वेशन के इक्वल करना है, ये पहले शो करना है। फिर हम स्टूडेंट्स फाइंड nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर n इज इक्वल टू 3, फिर n इज इक्वल टू 4, फिर n इज इक्वल टू 5। फिर आप यहां पर जो n है स्टूडेंट्स, इसकी जगह फिर आप पहले 3 पुट करेंगे, फिर 4 पुट करेंगे, फिर 5 पुट करके आप क्या निकालेंगे, nth रूट निकालेंगे। फिर सी पार्ट में हमने क्या करना स्टूडेंट्स कि इन्हीं रूट्स को हमने क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक है। यानी इन रूट्स का क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। और नेक्स्ट है कि स्केच द रेगुलर पॉलीगॉन्स फॉर्म्ड विद द रूट्स आर एज वर्टिक्स। इस तरह जब आप n इज इक्वल टू 3 रखेंगे यहां पर, तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बन जाएगा, यानी 1 की हम 3 क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे, यानी 3 रूट फाइंड करेंगे। जब आप n 4 रखेंगे तो फिर इसके 4th रूट फाइंड करने पड़ेंगे। जब आप n 5 रखेंगे तो हमें 5 रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे। फिर उन रूट्स को आपने क्या करना है, प्लॉट करना है सी पार्ट में। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं। यहां पर हमें गिवन है जेड एन विच इज इक्वल टू 1। अगर जेड एन विच इज इक्वल टू 1 हो तो यहां से आप जेड हासिल कर सकते हैं, जो कि आएगा 1 की पावर 1 ओवर n। ठीक है, हमें गिवन है जेड एन विच इज इक्वल टू 1। तो इस n को कैंसिल करने के लिए हम क्या लेंगे, पावर में 1 ओवर n लेंगे। तो यहां पर आप लेंगे 1 ओवर n, इसी तरह आपको 1 की पावर लेनी पड़ेगी 1 ओवर n। फिर ये n से n कैंसिल, सिंपल z आ जाएगा 1 की पावर 1 ओवर n। तो हमने ये शो करना है कि 1 की पावर 1 ओवर n इसके इक्वल है, यानी cos 2 के पाई ओवर n प्लस एटा साइन 2 के पाई ओवर n इसके इक्वल शो करेंगे। तो पहले हम स्टूडेंट्स z की पावर 1, ठीक है, z की पावर n विच इज इक्वल टू 1, इसको हम पोलर फॉर्म लिखेंगे। यानी हम पहले क्या करेंगे, हमें गिवन है जेड एन विच इज इक्वल टू 1, यानी इस 1 को पहले आप क्या करेंगे, पोलर फॉर्म करेंगे। यहां पर मैंने लिख लिया है जेड एन, तो ये हमने यहां पर 1 की पोलर फॉर्म पुट कर दी है, cos इंटू 0 प्लस 2 के पाई प्लस एटा साइन इंटू 0 प्लस 2 के पाई, ठीक है। आप स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल टू 0 की जगह आप इसमें थीटा प्लस 2 के पाई ऐड कर सकते हैं, अगर k की डिफरेंट वैल्यूज हो, ठीक है। यहां पर हम स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि अगर थीटा हमारे पास 0 डिग्री आ जाए तो 0 में आप 2 पाई भी ऐड कर सकते हैं, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 की जगह आप स्टूडेंट्स 2 पाई भी यूज कर सकते हैं, 4 पाई भी यूज कर सकते हैं, 6 पाई भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास थीटा 0 आ जाए। यानी थीटा इज इक्वल टू 0, इसमें आप 2 पाई ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। अगर आप 2 पाई ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 2 पाई बन जाता है। तो आप थीटा इज इक्वल टू 0 की जगह 2 पाई भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर वही इफेक्ट है कि यहां पर हमने 0 में 2 के पाई ऐड कर दिया। अगर k की डिफरेंट वैल्यूज हो, अगर k की वैल्यू 1 हो तो ये 2 पाई ऐड हो जाएगा 0 में, अगर k की वैल्यू 2 हो तो यहां पर 4 पाई ऐड हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स आप ये यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने zn को लिख लिया है cos n2 0 प्लस 2 के पाई
प्लस आयोटा साइन इन टू जीरो प्लस टू के पाई, ठीक है, थीटा यहाँ पर क्या है जीरो। तो यूजिंग डी मोवियर्स थ्योरम वी फाइंड nth रूट ऑफ 90 फ्रॉम द इक्वेशन गिवन बिलो। तो बाय यूजिंग डी मोवियर्स थ्योरम हम z इज इक्वल टू 1 की पावर 1 ओवर n हम लिख सकते हैं cos n टू 2k π/n प्लस iota sin 2k π/n, ठीक है। यहाँ पर देखें अगर 1 की पावर 1 ओवर n हमेशा 1 ही होगा तो आप स्टूडेंट्स इसकी जगह ये वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आया था कि z विच इज इक्वल टू 1 की पावर 1 ओवर n, तो यहाँ पर एक और होना था 1 की पावर 1 ओवर n, ठीक है। तो इसकी जगह स्टूडेंट्स हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 1 लिखें या हम लिखें सिंपल आ जाएगा z इज इक्वल टू 1 की पावर 1 ओवर n विच इज इक्वल टू cos 2k π/n प्लस iota sin 2k π/n। तो ये चीज हमने स्टूडेंट्स पार्ट ए में शो करनी थी कि जो nth रूट ऑफ यूनिटी है वो इसकी इक्वल, ठीक है। तो हमने जो रूट्स का हमारे पास फार्मूला था उसको यूज करते हमने इस चीज को फाइंड किया। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स पहले क्यूब रूट फाइंड करना है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फिर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिर फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें पहले हम n को 3 रखते हैं, तो यहाँ से मिलेगा स्टूडेंट हमारे पास z की पावर 3 विच इज इक्वल टू 1। देखें यहाँ पर हमें ये गिवन था कि z की पावर n विच इज इक्वल टू 1। आप n की जगह यहाँ पर पहले 3 पुट कर रहे हैं, जब आप 3 पुट करते हैं तो क्या जाता है z क्यूब विच इज इक्वल टू 1 की पावर 1 ओवर 3, ठीक है। यानी हमें यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करनी है। क्यूब रूट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आप पहले 1 को पोलर फॉर्म में लिखेंगे, जब आप 1 को पोलर फॉर्म लिखते हैं तो ये हमारे पास आपका स्टूडेंट्स cos 0 प्लस iota sin 0, ठीक है, ये 1 की पोलर फॉर्म है। तो पहले हमने इसको पोलर फॉर्म में नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट यहाँ पर ये w0 फाइंड कर ली है, w1 फाइंड कर ली है और w2 फाइंड कर ली है, ये इसके क्यूब रूट्स हैं। w0 हमने कैसे फाइंड किया है, यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स जो जनरल फार्मूला था उसमें हमने k को 0 रखा है, k को 0, n को 3, थीटा हमारे पास किया है 0 डिग्री है, ठीक है। जब 1 को आप पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो थीटा हमारे पास क्या आता है 0 डिग्री आता है। यहाँ पर हमने वही डायरेक्ट यूज कर ली है वैल्यूज, तो आ जाएगा यहाँ पर w नॉट विच इज इक्वल टू 1 की पावर 1 ओवर 3 इंटू कॉस 0 प्लस 0 ओवर 3 प्लस आयोटा साइन इंटू 0 प्लस 0 ओवर 3। तो ये सिंपल बन जाएगा cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, cos 0 1, साइन 0 0, सिंपल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जब आप n इज इक्वल टू 3 रखते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास पहला रूट क्या आता है 1 आता है। इसी तरह जब आप k की वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, हमें सेकंड रूट मिलता है। सेकंड रूट यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आप 2k π था, तो जब आप k की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पर आप 2π ऐड करते हैं, तो ये सिंपल बन जाएगा cos 2π/3 प्लस iota sin 2π/3। तो ये आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, यहाँ पर ये वैल्यूज आती हैं -1/2 प्लस iota 3√2, ये इसका सेकंड रूट आता है। इसी तरह जब आप k की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ पर आप 4π ऐड करते हैं, तो ये सिंपल बन जाता है cos 4π/3 प्लस iota sin 4π/3। आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो ये वैल्यूज आती हैं -1/2 माइनस आयोटा 3√2, तो ये इसका थर्ड रूट है, ठीक है। तो जब आप n 3 पुट करते हैं तो हमें क्यूब रूट फाइंड करने पड़ते हैं, तो ये हमने अभी क्यूब रूट फाइंड कर ली है। फिर हम स्टूडेंट्स n की वैल्यू 4 रखते हैं, तो जब आप n की वैल्यू 4 रखते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ से हमें स्टूडेंट्स 4 रूट फाइंड करने होंगे। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इनकी वैल्यूज लिख ली है, इसका पहला रूट 1 आता है, सेकंड रूट आता है आयोटा और थर्ड रूट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास
माइनस वन और फोर्थ रूट क्या आते हैं हमारे पास माइनस वन। तो ये आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग रूट्स फार्मूला। यहाँ पर मैंने इनकी डायरेक्ट वैल्यू लिख ली है। इस तरह जब आप एन को फाइव रखते हैं तो यहाँ से हमें स्टूडेंट्स फाइव रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनकी डायरेक्ट वैल्यूज लिख ली है। तो ये इसका पहला रूट है जब आप एन इज इक्वल टू फाइव रखते हैं, ठीक है। यानी आप क्या करने लगे हैं कि फिफ्थ रूट ऑफ यूनाइटी फाइंड करते हैं, ठीक है, फाइव रूट्स ऑफ यूनाइटी। तो इसका ये पहला रूट है, यहाँ पर इसका ये सेकेंड रूट आता है, ठीक है, ये वैल्यू सेकेंड रूट। इस तरह ये हमने थर्ड रूट फाइंड किया है और ये फोर्थ और इस तरह ये फिफ्थ। आप बाय यूजिंग रूट्स फार्मूला आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट वैल्यूज लिख दी है इनकी। फिर हम स्टूडेंट्स ये बी पार्ट में हमने क्या करना था कि हमने ये फाइंड करनी थी कि क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी, फोर्थ रूट और फिफ्थ रूट। सी पार्ट में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स के इन रूट्स को प्लॉट करना है और फिर यहाँ से हमने रेगुलर पॉलीगॉन बनानी है, ठीक है, देखते हैं। तो जब आपने स्टूडेंट्स ये रूट्स पुट किए जब एन इज इक्वल टू थ्री हो, देखिए यहाँ पर ये मैंने पहला रूट किया है जब एन इज इक्वल टू थ्री था, ये सेकंड रूट यहाँ पर मैंने पुट किया है और ये थर्ड रूट पुट किया। तो इससे मेरे पास ये ग्राफ बने, तो ये सर्कल तो मैंने खुद ड्रा किया है लेकिन मेरे पास ये पॉइंट्स बने हैं। एक ये पॉइंट बना है, एक ये पॉइंट बना है और एक ये पॉइंट। तो अगर एन इज इक्वल टू थ्री हो तो यहां से हमारे पास क्या बनती है, जो पॉलीगॉन बनती है वो हमारे पास क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। जब एन इज इक्वल टू थ्री हो स्टूडेंट्स तो थ्री साइड्स की जो रेगुलर पॉलीगॉन होती है वो हमारे पास क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। तो यहां से आप ट्रायंगल बनाएंगे, तो यहां से आप ये लाइन ड्रा करेंगे और फिर स्टूडेंट्स आप इस लाइन को मिलाएंगे और फिर इस लाइन को मिलेंगे। जब आप पेपर पर इसको ड्रा करेंगे तो उससे आप आपके पास ये फिगर ड्रा होगी। ये स्टूडेंट्स क्या इस तरह की फिगर बन रही है, ठीक है। तो इसको अगर आप लिखना चाहें यानी अगर सीधा इसको लिखें तो ये इस तरह की फिगर बन रही। तो ये हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। जब एन थ्री होगा यानी थ्री साइड्स की जो रेगुलर पॉलीगॉन होती है स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ से आपके पास ये फिगर बन रही है। इसी तरह जब स्टूडेंट्स आप एन इज इक्वल टू फोर पुट करते थे जेड एन में, ठीक है, जब आप जेड एन में एन इज इक्वल टू फोर पुट करते हैं तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें फोर्थ रूट ऑफ यूनाइटी फाइंड करनी होती। जब आपने फोर्थ रूट ऑफ यूनाइटी फाइंड किए तो हमारे पास ये रूट्स आए हैं। तो यहाँ पर जब मैंने इनको ग्राफ कैलकुलेटर में मैंने पुट किया था तो यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट्स आ चुके हैं। देखिए ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इस तरह स्टूडेंट एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट। तो अगर फोर्थ साइड की रेगुलर पॉलीगॉन हो तो वो हमारे पास क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। ये आपने याद रखा, फोर्थ साइड वाली रेगुलर पॉलीगॉन क्या होती है, एक स्क्वायर होता है। तो यहां से देखें स्क्वायर बन रहा है, यानी आप ये लाइन मिलाएंगे, ठीक है, फिर स्टूडेंट्स आप ये इस तरह के आपके पास फिगर बने। ये मैंने वैसे ड्रा कर दी है लेकिन जब आप ये पॉइंट्स को मिलाएंगे, ये भी लाइन आप ड्रा करेंगे इस तरह, जब आप पेपर पर ड्रा करेंगे तो ये आपके पास टोटल एक स्क्वायर बनेगा। तो फोर साइड की जो रेगुलर पॉलीगॉन होती है वो हमारे पास क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। तो आपने क्या करना है कि सर्कल ड्रा नहीं करना, सिंपल आपने क्या करना है, एक स्क्वायर ड्रा करना। इस तरह ये मैंने ड्रा किया स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो टेढ़ी मेढ़ी पिक्चर बन चुकी है लेकिन आप जब आप पेपर पर ड्रा करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसी तरह जब आप n फाइव पुट करेंगे तो
उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास कोई इस तरह की शेप बनेगी, कोई इस तरह की शेप बनेगी आपके पास, वो आपने बना लेनी है ठीक है। n इज इक्वल टू 5, 5 साइड्स की जो भी आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन बनेगी वो आपने खुद ड्रॉ करनी है। तो मैंने आपको ये हिंट दे दिया है कि किस तरह की आपके पास पॉलीगॉन बनेगी ठीक है। एन इज इक्वल टू 3 हो तो उसके लिए आपके पास क्या बनेगी, इक्विलेटर ट्राइंगल बनेगी। अगर आपके पास एन इज इक्वल टू 4 यानी 4 साइड की पॉलीगॉन क्या होती है, वो हमारे पास एक स्क्वायर होती है। आपने एन इज इक्वल टू 5 के लिए आपने फाइंड कर लेनी है और उसको आपने ड्रॉ कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है स्टूडेंट्स, सपोज दैट, इसको आप W पढ़ लें या ओमेगा पढ़ लें, सपोज दैट ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी ठीक है। ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी है, कॉरस्पॉन्डिंग टू k इज इक्वल टू 1। सी प्रॉब्लम 19a, हाउ आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रिलेटेड। ये हमने फाइंड करना है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किस तरह आपस में रिलेट कर रहे हैं ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, यहां पर देखें तो nth रूट ऑफ यूनाइटी इज गिवन बाय cos 2k पाई ओवर n प्लस एटा साइन 2k पाई ओवर n ठीक है। इसने कहा है कि ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी कॉरस्पॉन्डिंग टू k इज इक्वल टू 1। ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी कॉरस्पॉन्डिंग टू k इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 3 ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर क्यूब रूट की बात कर रहे हैं तो जो n होगा वो हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। जब आप स्टूडेंट्स यहाँ पर इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 3 पुट करते हैं और k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ से मैं देखें क्या असल होते हैं, ओमेगा क्या असल होते हैं, ओमेगा ओमेगा यहाँ से हासिल होता है cos 2 पाई ओवर 3 प्लस एटा साइन 2 पाई ओवर 3। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलती है -1/2 प्लस 3√2 एटा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है। इस तरह आप फर्स्ट ईयर में ओमेगा की वैल्यू पढ़ चुके हैं तो यही हमारे पास वैल्यू आती है -1/2 प्लस 3√2 ठीक है। ये ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, आप सिंपल क्या करेंगे कि के को 2 पुट करेंगे, एन तो वैसे 3 रहेगा लेकिन आप के को 2 पुट करेंगे। जब आप के को यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो यहां से हमें क्या मिलता है, 4 पाई मिलता है। तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा कॉज 4 पाई ओवर 3 प्लस एटा साइन 4 पाई ओवर 3। वो आप वैल्यूज पुट करेंगे cos 4 पाई ओवर 3 की और sin 4 पाई ओवर 3। तो यहां से देखें आपको ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो ओमेगा स्क्वायर होता है -1/2 -3√2 एटा। तो रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू, देखें जब आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, देखें ये इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, सिंपल हमारे पास क्या आता है -1 यानी -1/2 -1/2 ये सिंपल क्या आता है -1 आता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1 ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि हम स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल। तो अगर आप 1 को राइट हैंड साइड पर लेके आते हैं तो सिंपल हमें यहां से क्या मिलता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। तो यही हमारे पास क्या है, रिलेशन है बिटवीन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमने पहला पार्ट ये हमने बताना था, फिर हमने ये बताना है कि वेरीफाई बाय डायरेक्ट कंप्यूटेशन दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो हमने पार्ट नंबर ए को यूज करते हुए ये बी पार्ट प्रूव करेंगे, देखें बी पार्ट कैसे प्रूव करते हैं।
तो हम इसी इक्वेशन में स्टूडेंट्स इसको आप इक्वेशन नंबर वन कह लें। तो इक्वेशन नंबर वन में हम क्या करेंगे, वन को ऐड करेंगे बोथ साइड। जब आप इस इक्वेशन में वन को ऐड करते हैं बोथ साइड तो क्या मिलता है, यहां से मिलता है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन। तो माइनस वन प्लस वन जीरो, तो यहां से हमें ये रिजल्ट मिल जाता है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू जीरो। ये हमने स्टूडेंट्स बी पार्ट को वेरीफाई करना था। फिर हम इसी क्वेश्चन का सी पार्ट वेरीफाई करते हैं। यहां पर गिवन है कि एक्सप्लेन हाउ द रिजल्ट इन पार्ट बी फॉलो फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन दैट ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ वन, दैट इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन। अब हमने स्टूडेंट्स ये प्रूव करना है कि बाय यूजिंग दिस रिजल्ट हमने ये शो करना है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन। इसका देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा सी पार्ट का। सॉल्विंग ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल टू वन, इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हुए क्या करेंगे, इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये रिजल्ट प्रूव कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमने सी पार्ट में शो करना था कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन, ये क्या है, दुरुस्त है, ट्रू है। यहाँ पर उन्होंने हिंट दिया है कि इसको फैक्टर करो, फैक्टराइज करो, सी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन को आपने क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर करते हुए हमने ये बी पार्ट प्रूव कर, तो देखते हैं यहाँ पर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वन को लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आएंगे, ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब माइनस वन विच इज इक्वल टू जीरो। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसी फार्मूला को यूज करते हुए इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। ये बन जाएगा ओमेगा माइनस वन डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो, यानी ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहां से हमें मिल रहा है ओमेगा माइनस वन विच इज इक्वल टू जीरो एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो। यहां से हमें मिलता है स्टूडेंट्स ओमेगा इज इक्वल टू वन, एक ये रिजल्ट मिल रहा है और ये रिजल्ट मिल रहा है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो, जबकि ये रिजल्ट ट्रू नहीं है कि ओमेगा वन की इक्वल है, ओमेगा कभी भी वन की इक्वल नहीं है, ठीक है। हम प्रीवियस देख चुके हैं कि ओमेगा की हमारे पास एक प्रॉपर वैल्यू आती है, ओमेगा वन की इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमें ये रॉन्ग रिजल्ट मिल रहा, तो यहाँ पर जो ट्रू रिजल्ट है वो है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, बी पार्ट। अगर हम इसी को यूज करते हुए बी पार्ट प्रूव कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन, ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये आप 20 क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, ये आपने स्टूडेंट्स खुद ट्राई करना है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है जिसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन देख चुके हैं, तो इसको आपने खुद सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स गिवन है कंसीडर द इक्वेशन जेड प्लस टू की पावर एन प्लस जेड एन विच इज इक्वल टू जीरो, वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, बाय एनी मीन्स सॉल्व द इक्वेशन फॉर जेड when z is equal to 1, sorry when n is equal to 1 and n is equal to 2। जब यहाँ पर स्टूडेंट्स n 1 हो और फिर n 2 हो जाए तो हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं, जब n is equal to 1 हो तो उस सूरत में हमें इस इक्वेशन का क्या सोल्यूशन मिलता है। देखें यहाँ पर पहले हमने n को 1 रखा है, यहाँ से मिल रहा z plus 2 प्लस जेड विच इज इक्वल टू जीरो, जेड प्लस जेड क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, टू जेड बन जाएगा, टू जेड प्लस टू विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप टू कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा जेड प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी टू इंटू जेड प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो, जब आप टू पर डिवाइड करेंगे तो देखें सिंपल हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, जेड प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो।
यहाँ से आप 1 को राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे, यहाँ से आपको z की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल टू -1। तो जब n की वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट्स, तो उस सूरत में हमें एक ही सोल्यूशन मिलता है जो कि -1 है। ठीक है, जब n की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो यहाँ पर जो z होगा स्टूडेंट्स वो -1 की होगा। देखिए यहाँ पर आ जाएगा सिंपल z प्लस 2 प्लस z विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर n क्या है 1 है। तो जब आप n 1 हो उस रूप में हमें सोल्यूशन क्या मिलता है z इज इक्वल टू -1 मिलता है। यहाँ पर आप -1 पुट करें, ये -1 प्लस 2 फिर -1, ये सिंपल क्या आ जाएगा 0 की होगा। देखें ये -1 ये -1, -2 से +2 कैंसिल, सिंपल क्या हो जाएगा 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज होल्ड कर रही है स्टूडेंट्स, मतलब क्या होगा कि जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो उस वक्त में हमें एक सोल्यूशन मिलेगा। फिर हम n इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो उस वक्त में हमें क्या सोल्यूशन मिलती है। ये हमने स्टूडेंट्स क्या करना है कि जब n की वैल्यू 1 हो और n की वैल्यू 2 हो तो उस सूरत में हमने इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने थे। देखें जब आप n की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ से मिलता है z प्लस 2 की पावर 2 प्लस z स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। आप इस स्क्वायर को ओपन करें तो यहाँ से मिलेगा z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 4 और ये प्लस z स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब ये z स्क्वायर और ये z स्क्वायर, ये सिंपल बन जाएगा 2z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या करें कि 2 को कॉमन लें तो यह आ जाता है z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। फिर आप स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ z। तो इसे सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। देखें हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो इससे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देखें यहाँ पर आ जाएगा z12 इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो यहाँ पर देखें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल रही है 2 मिल रही है और c की वैल्यू भी क्या है 2 है। तो आप सिंपल इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा z12 विच इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये b का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 4 माइनस 8 स्क्वायर रूट ओवर, तो 4 माइनस 8 ये बन जाएगा -4 स्क्वायर रूट। देखें स्टूडेंट्स -4 स्क्वायर रूट क्या होता है, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 2 iota। यहाँ पर आपने 2 iota लिख देना है। तो फिर आप जो स्टूडेंट्स इस प्लस माइनस को सॉल्व करना है, यानी एक दफा आपने ऐड करना है और एक दफा आपने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप यहाँ से स्टूडेंट्स पहले आप क्या लेंगे 2 को कॉमन लेंगे, तो जब आप 2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ सिंपल में मिलता है z12 विच इज इक्वल टू -1 प्लस -8। तो पहले आप एक दफा iota को यहाँ पर माइनस कर देंगे, एक दफा यहाँ पर प्लस कर, तो यहाँ से हमें दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, एक z1 और एक z2। फॉर n इज इक्वल टू 2 वी हैव टू यूनिक सॉल्यूशंस z1 विच इज इक्वल टू -1 माइनस iota एंड z2 विच इज इक्वल टू -1 प्लस है। जब आप n इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर दो यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहाँ पर गिवन है कंसीडर द इक्वेशन इन प्रॉब्लम 22। जो स्टूडेंट हमें प्रॉब्लम 22 में इक्वेशन गिवन थी, क्या इक्वेशन गिवन थी, ये गिवन थी z प्लस 2 की पावर n प्लस zn विच इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को स्टूडेंट हमने यहाँ पर यूज करना है। इन पार्ट ए इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन
determine the location of all solutions z when n is equal to 6. जब n is equal to 6 हो तो स्टूडेंट हमने क्या करने हैं कि तमाम सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, ठीक है। जब n यहां पर 6 हो तो उस वक्त में हमने इस इक्वेशन के तमाम सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। और b पार्ट में हमने क्या करना है कि यहां से स्टूडेंट हमने पहले n is equal to 1, फिर n is equal to 2 और फिर हमने बाकी यानी n के लिए हमने जनरल फार्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। ये किस जनरल फार्मूले से हम अगर n हमारे पास 3 हो जाए, 4 हो जाए या 5 हो जाए, हमने एक ऐसा जनरल फार्मूला ड्राइव करना है जिससे हम इस इक्वेशन के बाकी तमाम रूट्स फाइंड करते हैं। यानी अगर n हमारे पास 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, तो उस वक्त में हमने यहां से एक जनरल फार्मूला ड्राइव किया। तो बी पार्ट, तो पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं कि अगर n इज इक्वल टू 6 हो तो उस रूप में इस इक्वेशन के कितने रूट्स आएंगे, कितने सॉल्यूशंस आएंगे। देखें यहां पर हमें गिवन है z प्लस 2 की पावर n प्लस z n विच इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। देखें जब आप n की यहां पर वैल्यू 1 पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो उस रूप में हमें एक सॉल्यूशन मिल जाता है, वो है -1। एक सॉल्यूशन तो हमें यहां पर पहले से मिल चुका है। तो बाकी हम स्टूडेंट्स 5 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो 5 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि यानी हम यूज करेंगे 1 की पावर 1 ओवर n, ठीक है। इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे जो कि यहां पर गिवन है, cos 2k पाई ओवर n प्लस iota sin 2k पाई ओवर n। तो हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे। तो पहले हम स्टूडेंट यहां पर n की वैल्यू रखते हैं 5 और देखते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यू मिलती है। तो जब आप n इज इक्वल टू 5 रखते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, 1 की पावर 1 ओवर 5 विच इज इक्वल टू cos 2k पाई ओवर 5 प्लस iota sin 2k पाई ओवर 5। फिर अगर आप k इज इक्वल टू 0 रखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां से हमें पहला रूट मिलता है, वो है W नॉट विच इज इक्वल टू 1। देखें यहां पर अगर आप स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू 1 रखें और k इज इक्वल टू 0 रखें, देखें इसी फॉर्मूले में अगर आप n को 1 रखते हैं और k को 0 रखते हैं तो उस रूप में देखें हमारे पास क्या आता है। ये आता है W नॉट यानी पहला सॉल्यूशन, ठीक है। यह आ जाता है cos 0 प्लस iota sin 0। cos 0 क्या होता है, 1। तो यहां से हमने स्टूडेंट्स ये वैल्यू ली है W नॉट विच इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर आप स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करना चाहते हैं जब n इज इक्वल टू 2 हो, देखें ये हमारे पास है n इज इक्वल टू 1 के लिए पहला रूट है हमारे पास। जब n इज इक्वल टू 2 हो तो यहां से हम स्टूडेंट्स क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट्स फाइंड करेंगे। या कि हम स्टूडेंट्स यूज करेंगे इसलिए हमने ये वैल्यूज फाइंड की। जब आप n इज इक्वल टू 2 रखते हैं स्टूडेंट, यहां पर आ जाता है 1 की पावर 1 ओवर 2 विच इज इक्वल टू cos 2k पाई ओवर 2। यहां पर n की वैल्यू हमने 2 रखी है। तो देखिए जब ये 2 से 2 कैंसिल होके स्टूडेंट सिंपल आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू cos k पाई प्लस एटा साइन k पाई, ठीक है। जब आप k इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहां से हमें स्टूडेंट्स पहला रूट मिलता है W नॉट विच इज इक्वल टू 1। जब आप k इज इक्वल टू 1 रखते हैं स्टूडेंट्स, जब आप यहां पर k इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो उस रूप में W 1 मिलता है हमें -1। बिकॉज cos पाई क्या होता है, -1 होता है, और साइन पाई क्या होता है, 0। तो यहां से सिंपल हमें क्या मिला है, W1 विच इज इक्वल टू -1। तो हम इनको भी यूज करेंगे, W0 को भी और W1 को भी, और इस W0 को भी यूज करेंगे। ये आगे हम स्टूडेंट यूज करेंगे इसलिए हमने ये ऑलरेडी पहले ही फाइंड कर लिए। देखें जब आप फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करते हैं तो आप n को 5 पुट करेंगे, ठीक है। तो जब आप स्टूडेंट्स k
के को यहाँ पर जीरो पुट करते हैं तो हमें पहला रूट मिलता है वो है वन, ठीक है, जीरो और समथिंग जीरो, कॉस जीरो वन, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, सिंपल यहाँ पर कॉस जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। जब आप के इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो सिंपल हमें स्टूडेंट्स पहला रूट क्या मिलेगा, वन मिलेगा। इसी तरह जब आप के इज इक्वल टू वन पुट करते हैं तो यहाँ से स्टूडेंट हमें पहला रूट मिलता है, ये इसकी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और ये डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ पर लिख लेंगे, या आप उसको सॉल्व कर लें या डायरेक्ट लिख लें। इस तरह जब आपने के इज इक्वल टू टू पुट किया तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गई, ये सेकेंड रूट आ गया। इसी तरह ये हमारे पास क्या आ रहा है, थर्ड रूट आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, फोर्थ रूट आ रहा है। ये पहला रूट, ये सेकेंड रूट, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। इस तरह स्टूडेंट हमने ये फाइव रूट फाइंड किए जब एन इज इक्वल टू फाइव। तो ये वैल्यूज आगे हम स्टूडेंट्स यूज करने लगे हैं, इन्हीं वैल्यूज को, डब्ल्यू नॉट को, डब्ल्यू वन को और ये डब्ल्यू नॉट को, ये आगे हम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ये पहले फाइंड कर लिया। लेकिन जो पहला पार्ट है स्टूडेंट्स, वो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे फिफ्थ रूट से, जब एन इज इक्वल टू फाइव, क्योंकि आप जब एन इज इक्वल टू वन रखते हैं तो यहाँ से हमें पहला रूट, यानी इसकी इस इक्वेशन का जो ये जेड प्लस टू की पावर एन प्लस जेड एन है विच इज इक्वल टू जीरो, इसका पहला सोल्यूशन मिलता है वो है जेड इज इक्वल टू माइनस वन। बाकी हमने फाइव सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि जब एन इज इक्वल टू सिक्स हो तो उस वक्त में स्टूडेंट हमने क्या क्या सोल्यूशन मिलते हैं, तो हमने ये फाइंड करना है। तो जब एन इज इक्वल टू वन होगा तो उसी रूप में हमें जेड इज इक्वल टू माइनस वन सोल्यूशन मिलेगा, और बाकी हम ये चेक कर रहे हैं कि एन इज इक्वल टू फाइव के लिए हमारे पास क्या क्या सोल्यूशन है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहां पर है कि सॉल्विंग जेड प्लस टू की पावर फाइव प्लस जेड फाइव विच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक सोल्यूशन तो फाइंड कर लिया है, वो है जेड इज इक्वल टू माइनस वन। बाकी हम स्टूडेंट्स यहाँ पर एन की वैल्यू फाइव रख के बाकी हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पर एन फाइव रखते हैं तो इसे हम स्टूडेंट्स फिर सॉल्व करते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ जेड, देखिए हमारे पास क्या आता है। यहां से स्टूडेंट मैंने क्या लिया है कि जेड की पावर फाइव को कॉमन लिया। जब आप कॉमन लेंगे तो यहां पर भी आप डिवाइड करेंगे, यानी जेड प्लस टू की पावर फाइव, इसके साथ आप स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे जेड की पावर फाइव, क्योंकि हमने जेड की पावर फाइव कॉमन लिया है तो यहां पर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, यानी यहां पर आप स्टार्ट में लिख देंगे जेड की पावर फाइव और ये टोटल क्या है, जीरो के इक्वल है। फिर आप इस जेड की पावर फाइव को डिवाइड कर देंगे तो यहां से हमें सिंपल मिलेगा ये वैल्यू मिलेगी। अब जेड की पावर फाइव है, यहां पर जेड प्लस टू की पावर फाइव, तो हम यहां पर टोटल लिख सकते हैं कि जेड प्लस टू और जेड की पावर फाइव प्लस वन। फिर हमने स्टूडेंट्स ये z की पावर 5 को डिवाइड किया तो सिंपल हमें यहां से मिला z प्लस टू ओवर z की पावर 5 प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो। तो आपने यहां से फिर 1 को राइट हैंड साइड पर लेके गए तो यहां से हमें मिला माइनस वन। फिर हम स्टूडेंट्स इस 1 को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो ये यहां से हमने इस माइनस को इधर शिफ्ट कर लिया, तो यहां पर आ गया माइनस एन टू जेड प्लस टू ओवर जेड की पावर फाइव विच इज इक्वल टू वन। फिर हम स्टूडेंट्स इस माइनस को यहाँ पर भी लिख सकते हैं इस जेड के साथ, ये बन जाएगा सिंपल जेड प्लस टू ओवर माइनस जेड की पावर फाइव विच इज इक्वल टू वन। फिर इस फाइव को कैंसिल करने के लिए हम क्या लेंगे, यानी यहाँ पर लेंगे पावर में लेंगे वन ओवर फाइव, लेंगे यहाँ पर भी लेंगे वन ओवर फाइव और इस वन की पावर भी लेंगे वन ओवर फाइव। तो अब आप स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हमने ये ऑलरेडी पहले ही फाइंड कर चुके हैं कि वन की पावर वन ओवर फाइव, ये हमने इसलिए स्टूडेंट्स ये फार्मूला यूज किया था कि वन की पावर वन ओवर एन, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स यहाँ से ये देख लिया कि ये हमारे पास अब क्या आ रहा है, जेड प्लस टू ओवर माइनस जेड विच इज इक्वल टू
1 की पावर 1 ओवर 5। तो इसको मैं अभी जनरलाइज कह रहा हूँ, डब्ल्यू ओ के कह रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कह रहा हूँ, डब्ल्यू ओ के कह रहा हूँ जनरलाइज, ठीक है। और ये है जेड प्लस 2 ओवर माइनस जेड विच इज इक्वल टू डब्ल्यू ओ के। फिर यहाँ से ये माइनस जेड इस डब्ल्यू के के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर आप इसको जेड के साथ मिला देंगे और 2 को राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे। ये सिंपल आ जाएगा जेड प्लस जेड डब्ल्यू के विच इज इक्वल टू माइनस जेड सॉरी माइनस 2। और यहाँ से आप फिर जेड कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा जेड यहाँ से, देखें। फिर आप इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो आप जेड को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा इन टू 1 प्लस डब्ल्यू के विच इज इक्वल टू माइनस 2। फिर आप 1 प्लस डब्ल्यू के को डिवाइड कर देंगे, ये सिंपल आ जाएगा जेड इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 1 प्लस डब्ल्यू के। क्योंकि हम स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं डब्ल्यू के यानी फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो यहाँ पर हम के इज इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे, ठीक है। देखें जब k इज इक्वल टू 0 होगा तो ये इसका पहला रूट आएगा, तो हमें पता है स्टूडेंट्स पहला रूट क्या है, वो 1 है, ये हमने फाइंड किया अभी। देखें ये पहला रूट क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स w नॉट की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें जब k इज इक्वल टू 0 होगा, यानी हम यहाँ पर w k में स्टूडेंट्स तमाम रूट्स पुट करके इसको सॉल्व करके यहाँ से हम स्टूडेंट सोल्यूशन फाइंड कर देंगे। जो इक्वेशन थी हमारे पास z प्लस 2 की पावर n प्लस z n विच इज इक्वल टू 0। तो जब आपने स्टूडेंट्स यानी ये फाइंड किया कि फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किए तो ये हमारे पास इनकी वैल्यूज आ चुकी थी। तो फिर यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स एक जनरल फार्मूला बनाया जेड इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 1 प्लस डब्ल्यू के। फिर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स इन फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यूज पुट कर देंगे। पहले हम स्टूडेंट्स के इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें ये पहला सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। एक ऑलरेडी हम सोल्यूशन फाइंड कर चुके हैं, वो है जेड इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पर भी हमें ये दूसरा सोल्यूशन भी माइनस 1 मिल रहा है, ठीक है। ये दोनों सोल्यूशन क्या है, किसी जेड प्लस 2 की पावर n प्लस जेड एन विच इज इक्वल टू 0 के सोल्यूशन है, ठीक है। इसी तरह फिर आप k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें w 1 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पर w k की जगह ये हमने यहाँ पर w 1 की वैल्यू पुट की, फिर इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ रही है। तो ये भी कोई कम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम ये कम्प्लेक्स नंबर ही फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि इस इक्वेशन के कम्प्लेक्स नंबर ही सोल्यूशन आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक ये सोल्यूशन बन गया। इस तरह जब आपने k की वैल्यू 2 पुट की तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर w2 तो यहाँ पर आपने w2 की वैल्यू पुट की तो फिर उसको आपने सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया, अगेन सोल्यूशन एक और आ गया। इस तरह आप स्टूडेंट फिर मेगा क्यूब पुट करेंगे या डब्ल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ से फिर अगेन हमारे पास एक और सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट आप फिर डब्ल्यू 4 पुट करेंगे तो अगेन आपके पास एक और सोल्यूशन है। तो यहाँ से आप देखेंगे सोल्यूशन सेट जो क्या होगा माइनस 1, फिर होगा स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पर माइनस 1 प्लस 0.73 एटा और ये नेगेटिव वैल्यू है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं माइनस 1 प्लस माइनस 0.73 एटा, यहाँ पर हमें डबल वैल्यू नहीं लिखी, यहाँ पर हमें लगा दी है प्लस माइनस। इसी तरह एक ये लिखें, एक ये सेकंड वैल्यू और ये थर्ड वैल्यू, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर हम लिख लिया प्लस नेगेटिव 3.08 एटा, ये माइनस 1 के साथ। तो ये स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के सोल्यूशन आ रहे हैं जब n इज इक्वल टू 6 हो, तो आपने इस तरह स्टूडेंट फाइंड करने है, ठीक है। आपने पहले क्या करना है स्टेप में कि माइनस सॉरी प्लस 1 जो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी फाइंड कर लेने हैं, फिर वहां से आपने स्टूडेंट्स ये जनरल फार्मूला बनाना है इस तरह, ठीक है। जब आप n यहाँ पर 5 पुट करेंगे
तो ये जनरल फार्मूला यहाँ से आप ड्राइव कर लेंगे, फिर आप ये जो आपने रूट फाइंड किए थे फिफ्थ रूट, आप फिर यहाँ पर बारी बारी पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास सॉल्यूशन आ जाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप एन की वैल्यू 8 पुट करते हैं या 10 पुट करते हैं 11 पुट करते हैं तो उसके लिए हमने जनरल फार्मूला ड्राइव करना। तो सेकंड ये बी पार्ट है, इसमें हम ये जनरल फार्मूला ड्राइव करेंगे। देखें जब एन इज इक्वल टू 1 हो स्टूडेंट्स, तो उस रूप में यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड प्लस 2 की पावर 1 प्लस जेड की पावर 1 विच इज इक्वल टू 0। फिर आप स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जेड की पावर 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा जेड प्लस 2 ओवर जेड की पावर 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। फिर आप इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से सिंपल ये मिलेगा कि जेड प्लस 2 ओवर जेड की पावर 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1। फिर आप इस माइनस 1 को यहाँ से खत्म करेंगे और फिर आप ये जेड के साथ माइनस ले आएंगे, ये सिंपल मिल जाएगा स्टूडेंट्स। आप फिर इस 1 को कैंसिल करने के लिए सिंपल 1 की पावर 1 ओवर 1 लगा देंगे तो ये सिंपल मिल जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसको हम क्या कह रहे हैं, डब्ल्यू के कह रहे हैं, ठीक है डब्ल्यू के। तो फिर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस यानी काम किया है, तो यहाँ से हमें स्टूडेंट मिल जाएगा जेड इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 1 प्लस डब्ल्यू के। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बिकॉज एन इज इक्वल टू 1 है, तो ये हमने स्टूडेंट्स प्रीवियस देखे हैं, तो हमने पहले से ऑलरेडी ये वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं। देखें जब एन इज इक्वल टू 1 हो तो हमें सिंपल सिर्फ एक ही मिलता है सॉल्यूशन, यानी रूट मिलता है, वो है डब्ल्यू नॉट विच इज इक्वल टू 1। इसी 1 को आगे हम स्टूडेंट यूज करेंगे जनरल फार्मूला जब हम ड्राइव कर रहे हैं। देखें यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं ये 1, क्योंकि यहाँ से स्टूडेंट हमें सिर्फ एन जब 1 होता है तो हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिलती है, वो है डब्ल्यू नॉट। यहाँ पर आपने ये वैल्यू पुट की है तो देखें सिंपल यहाँ से हमें क्या मिला है, माइनस 1। तो ये जेड इज इक्वल टू माइनस 1, तो सॉल्यूशन इज सेम एज जेड प्लस 2 प्लस जेड विच इज इक्वल टू 0। जब आपने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व किया था, जब आपने एन इज इक्वल टू 1 रखा था, उस रूप में भी हमें जेड इज इक्वल टू माइनस 1 मिलता। अगर आप इसे इस तरीके से सॉल्व करते हैं तब भी हमें ये जेड इज इक्वल टू माइनस 1 मिलता है, सेम सॉल्यूशन मिल रहा है ना। ये हम ये स्टूडेंट्स इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक जनरल फार्मूला ड्राइव कर पाए। देखें जब एन इज इक्वल टू 2 हो तो उस रूप में देखें स्टूडेंट्स हम इसे अब यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा जेड प्लस 2 ओवर जेड किस जेड का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आप स्टूडेंट्स जेड स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, सिंपल आ जाएगा जेड प्लस 2 ओवर माइनस जेड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हम इस माइनस 1 की जगह आयोटा लिख सकते हैं। देखें यहाँ पर है माइनस 1 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर माइनस 1 की जगह ये सिंपल यहाँ पर आयोटा लिख लिया है, ठीक है। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास जेड प्लस 2 ओवर आयोटा जेड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जब आप ये स्क्वायर ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करें और इसे सॉल्व करें तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट सेम आता है, तो इसलिए स्टूडेंट हमने यहाँ पर माइनस की जगह यहाँ पर आयोटा पुट किया है, तो ये आ जाएगा जेड प्लस 2। फिर आपने स्टूडेंट्स क्या किया है कि स्क्वायर रूट अप्लाई किया है, तो ये सिंपल बन जाएगा जेड प्लस 2 ओवर आयोटा जेड विच इज इक्वल टू 1 की पावर 1 ओवर 2, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट था, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 1 ओवर 2। तो अब हम स्टूडेंट्स इसे क्या कह रहे हैं, ओमेगा के कह रहे हैं, ओमेगा के। जब आप इसे सॉल्व करते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ जेड, तो यहाँ से हमें स्टूडेंट्स जेड की ये वैल्यू मिलती है। जब आप जेड प्लस 2 विच इज इक्वल टू आयोटा जेड ओमेगा के इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को फॉर द वैल्यू ऑफ जेड, यहाँ पर सॉल्व हुई पड़ी है तो इसको आपने देख लेना है, यहाँ से हमें ये जेड की वैल्यू,
which is equal to minus 2 over 1 minus iota omega k. ये हम लिख सकते हैं z is equal to 2 over iota omega k minus 1. अगर आप ये भी यूज कर लें या आप ये भी यूज कर लें तो दोनों करेक्ट हैं, तो कोई आप यूज कर सकते हैं ये जनरल रिजल्ट. तो फिर स्टूडेंट आपने देखें टू रूट्स फाइंड की हैं इस यूनिटी की, वो क्या आए थे देखें हमने प्रीवियस अभी सॉल्व कर चुके हैं. ये देखिए यहाँ पर हमने ये स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड किए थे, एक आ रहा था 1 आ रहा था, एक क्या आ रहा था माइनस 1 आ रहा. तो यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो देखें यहाँ पर, तो पहले आप स्टूडेंट्स पहले 1 पुट करेंगे फिर माइनस 1 पुट करेंगे. देखें यानी पहला हमारे पास रूट क्या आ रहा था, 1 आ रहा था. तो यहाँ पर हम पहले 1 पुट करते हैं तो सिंपल आ जाता है आयोटा माइनस 1 यानी जेड इज इक्वल टू 2 ओवर आयोटा माइनस 1. अगर आप इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास क्या आता है माइनस 1 माइनस आयोटा. देखें हम 2 ओवर आयोटा माइनस 1 को लिख सकते हैं माइनस 2 ओवर 1 माइनस आयोटा. जब आप इसे सिंपल ए ठीक है प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखते हैं तो देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर ये नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे प्लस से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. फिर आप इस माइनस 2 को इस कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस कम्प्लेक्स नंबर को इस कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखिए यहाँ पर क्या आता है नेगेटिव 2 माइनस 2 आयोटा ओवर 2. अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये सिंपल क्या आता है माइनस 1 माइनस आयोटा. तो यही देखिए वैल्यू सेम आ रही है. तो देखिए हमें एक सोल्यूशन ये मिल चुका है. इसी तरह स्टूडेंट जब आप w1 = माइनस 1 पुट करते हैं तो यहाँ से हमें ये सेकंड सोल्यूशन मिलता है. ये z2 इसको आप कह लें z2 which is equal to minus 1 plus 2. तो ये सेम है जिस तरह आपने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 हमने किया था. इस तरह देखें क्वेश्चन नंबर 22 जब आपने n is equal to 2 पुट किया था तो हमारे पास ये दो सॉल्यूशंस आ रहे थे. तो इस तरीके से भी हमें सेम सॉल्यूशन मिलती हैं. तो जब हमने स्टूडेंट्स इसी जनरल फार्मूले से इसको सॉल्व किया तो ये भी हमें स्टूडेंट सेम सॉल्यूशन मिल रहा है. तो यहाँ से हम जनरल फार्मूला एक ड्राइव कर सकते हैं. देखें अगर n इज इक्वल टू देखें जब n क्या होगा इवन होगा तो उस सूरत में स्टूडेंट हम ये यूज करेंगे ठीक है, और जब n ऑड होगा तो उस सूरत में हम स्टूडेंट्स ये यूज करेंगे फाइंड करने के लिए कौन से सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए. जब हमें ये इक्वेशन गिवन हो जेड प्लस 2 की पावर n प्लस जेड की पावर n विच इज इक्वल टू 0, जब हमें ये इक्वेशन गिवन हो तो उस सूरत में आप ये हमने जनरल फार्मूला ड्राइव किए हैं. तो अगर n अगर हम लेते हैं इवन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम n लेते हैं 4 ले लेते हैं 6 ले लेते हैं 8 ले लेते हैं 2 ले लेते हैं ठीक है तो 10 ले लेते हैं, जब हम n इवन लेते हैं तो उस सूरत में हमने स्टूडेंट्स ये फार्मूला यूज करना है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के इस इक्वेशन के ठीक है. यहाँ पर फिर आपने अगर आपने स्टूडेंट्स n ऑड रखते हैं कोई ठीक है 1 रखते हैं 5 रखते हैं, जब आप n की वैल्यू 1 रखते हैं 5 रखते हैं 7 रखते हैं तो उस रूप में स्टूडेंट आपने ये फार्मूला यूज करना है. तो इससे आपको फिर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे. तो ये हमने फिर यहाँ पर जनरल फार्मूला ड्राइव करना था. तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24. तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स सिंपली ये चीज प्रूव करनी है कि हम nth रूट ऑफ यूनिटी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सिंपल हमने यहाँ पर ये चीज प्रूव करनी है. तो इसके लिए हमें यहाँ पर हिंट दिया गया है. अब हम इसी हिंट को यूज करते हुए स्टूडेंट्स इस चीज को प्रूव करेंगे ठीक है कि हम nth रूट ऑफ यूनिटी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. और स्टूडेंट्स एक ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आगे हम स्टूडेंट्स 25 और 26 में यूज करेंगे ठीक है. इस रिजल्ट को आपने याद रखना है रिजल्ट नंबर 5. ये रिजल्ट आगे यूज होगा लेकिन इस 24 प्रॉब्लम में
हमने सिर्फ इसी रिजल्ट को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, अब इस रिजल्ट को कैसे प्रूव करेंगे, देखें डब्ल्यू एन इज द nth रूट ऑफ यूनाइटी। जो डब्ल्यू एन है स्टूडेंट्स, ये nth रूट ऑफ यूनाइटी है। देखें n की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पर अगर आप जीरो पुट करते हैं तो ये यानी पहला रूट बन जाएगा, अगर आप n की वैल्यू टू पुट करते हैं तो ये थर्ड रूट बन जाएगा, अगर आप n की वैल्यू वन पुट करते हैं तो ये सेकंड रूट बन जाएगा। इस तरह ये क्या है, nth रूट ऑफ यूनाइटी है। देयरफॉर डब्ल्यू एन एन विच इज इक्वल टू वन, डब्ल्यू एन एन क्या होगा, ये वन के इक्वल होगा। एंड एन अगर ग्रेटर देन वन होगा तो उस रूप में डब्ल्यू एन कभी भी वन के इक्वल नहीं होगा। ये आपने याद रखना कि डब्ल्यू एन एन ये क्या होगा, वन के इक्वल होगा। अगर डब्ल्यू एन क्या है, nth रूट ऑफ यूनाइटी है, तो उस रूप में देखें स्टूडेंट्स डब्ल्यू एन एन क्या होगा, वन के इक्वल होगा। और अगर एन ग्रेटर देन वन होता है तो उस रूप में डब्ल्यू एन कभी भी वन के इक्वल नहीं होगा। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं बाय डब्ल्यू एन माइनस वन से। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें यहाँ पर हमें क्या मिलता है, पहले हम स्टूडेंट्स इस डब्ल्यू एन को इस तमाम इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा डब्ल्यू एन प्लस डब्ल्यू एन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एन क्यूब प्लस अप टू सो ऑन डब्ल्यू एन एन। ठीक है, डब्ल्यू एन एन। फिर हम स्टूडेंट्स इस माइनस वन को इस तमाम इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है माइनस वन माइनस डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू एन स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह फिर माइनस डब्ल्यू एन क्यूब अप टू सो ऑन डब्ल्यू एन एन माइनस वन। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स तमाम कैंसिल हो जाती हैं, सिंपल हमारे पास ये दोनों रह जाती हैं। ठीक है, ये दोनों रह जाते हैं, बाकी देखें डब्ल्यू एन ये डब्ल्यू एन से कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू एन स्क्वायर से कैंसिल, क्यूब भी कैंसिल और डब्ल्यू एन एन माइनस वन ये भी कैंसिल। तो सिंपल यहां से ये चीज बच जाएगी, यहां पर देखें ये चीज आ गई, बिकॉज हम पहले से जानते हैं कि डब्ल्यू एन एन क्या होता है, ये वन की इक्वल होता है। तो जब यहाँ पर आप वन पुट करते हैं तो वन माइनस वन ये जीरो बनता है। तो यहां से हमने ये देखा कि स्टूडेंट जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, जीरो मिलता है। तो इसका मतलब ये होगा कि पहले ये इक्वेशन भी जीरो होगी या ये इक्वेशन भी जीरो होगी। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करते हैं इस चीज को, यहां से मिलता है डब्ल्यू एन विच इज इक्वल टू वन, जो कि यहाँ पर गिवन है कि अगर n ग्रेटर देन वन होगा तो उस सूरत में डब्ल्यू एन कभी भी वन के इक्वल नहीं होगा। तो ये रॉन्ग है, तो इसका मतलब होगा कि ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो ये चीज स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर प्रूव करनी थी कि हम nth रूट ऑफ यूनाइटी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी वन प्लस डब्ल्यू एन प्लस डब्ल्यू एन स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन डब्ल्यू एन एन माइनस वन विच इज इक्वल टू जीरो। देखिये जब आप n इज इक्वल टू वन पुट करते हैं तो उस सूरत में देखें हमें क्या मिलता है, n इज इक्वल टू वन होगा। उस सूरत में देखें पहले टर्म हमें वन मिलेगी, फिर प्लस ये w वन यानी ओमेगा सिंपल, और ये ओमेगा स्क्वायर। देखें यहां पर अगर आप n वन पुट करते हैं तो सिंपल बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो हम ये पहले से जानते हैं कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ये क्या होता है, जीरो के इक्वल। ये चीज सेटिस्फाई होगी स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं कि जब आप एन इज इक्वल टू वन रखते हैं तो उस रूप में ये क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, इसी तरह बाकी आप एन इज इक्वल टू टू रखते हैं तो उस रूप में भी आप डिफरेंट इक्वेशन को चेक कर सकते हैं, तो वो भी सेटिस्फाई होंगे। इसका मतलब ये है कि हम nth रूट ऑफ यूनाइटी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स डिफरेंट चीजें कंप्यूट करनी है। तो पहले हमने कंप्यूट करना है एटा वन ओवर टू बाय यूजिंग फोर। फोर्थ रिजल्ट को हमने यूज करते हुए स्टूडेंट्स एटा की पावर वन ओवर टू ये हमने कैलकुलेट करना है। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फोर्थ रिजल्ट है, ये वाला डब्ल्यू के विच इज इक्वल टू आर की पावर वन ओवर एन इन टू कॉस
थीटा प्लस टू के पाई ओवर एन प्लस एटा साइन थीटा प्लस टू के पाई ओवर, तो इसे यूज करते हैं हम स्टूडेंट्स इस आयोटा की पावर 1 ओवर 2 को कैलकुलेट करने, यानी यहां पर हमने टू रूट्स फाइंड करने हैं। तो पहले आप क्या करेंगे कि इस आयोटा को यानी पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो आयोटा आ जाएगा इक्वल कॉस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। तो यहां से स्टूडेंट्स आप एन की वैल्यू देख सकते हैं, वो हमारे पास 2 है, आर की वैल्यू 1 है और थीटा क्या है पाई बाय 2। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप क्या करेंगे फाइंड करेंगे इसका, ये आ जाएगा पहला रूट आ जाएगा डब्ल्यू नॉट, या इसको आप पढ़ सकते हैं ओमेगा नॉट। इसको जब आपने पहला रूट फाइंड किया तो वो हमारे पास आ चुका है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस एटा 1 ओवर 2 स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट आप फिर इसका सेकेंड रूट फाइंड करेंगे, जब के क्या होगा 1 पुट करेंगे आप, तो उस वक्त में देखें ये हमारे पास ओमेगा 1 आ रहा है, इसका सेकेंड रूट आ रहा है वो है माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट माइनस एटा 1 ओवर 2 स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं आयोटा की पावर 1 ओवर 2 की पावर 3 बाय यूजिंग 9 ऑफ सेक्शन 1.3। ये हमने स्टूडेंट्स रिजल्ट देख लेने हैं, ये हम सेक्शन 1.3 का 9 रिजल्ट यूज कर रहे हैं, तो उसको यूज करते हैं हमने स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करना है। देखें इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सॉल्विंग आयोटा की पावर 1 ओवर 2 की पावर क्यूब, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स से ये रिजल्ट यूज करेंगे डब्ल्यू के विच इज इक्वल टू आर की पावर एम की पावर 1 ओवर एन। ठीक है, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स इस चीज को हम किस तरह लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं आर की पावर 1 ओवर एन की पावर एम, ये भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। आप लिख लें आर की पावर एम की पावर 1 ओवर एन, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसी रिजल्ट को हम यहां पर यूज करते हुए इसको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये रिजल्ट है स्टूडेंट्स कॉस एम ओवर एन इंटू थीटा प्लस 2 के पाई प्लस एटा साइन एम ओवर एन इंटू थीटा प्लस 2 के पाई, ये स्टूडेंट्स रिजल्ट है यहां पर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये देखें इसका पहला रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस 3 पाई ओवर 4। देखें ये कैसे आता है, यहां पर अगर हम स्टूडेंट्स एम को देखें और एन को देखें, यहां पर देखें हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं यानी आर की पावर 3 की पावर 1 ओवर 2। तो यहां से अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहां से देखें हमारे पास एम की वैल्यू क्या आ रही है, वो 3 आ रही है, और ये स्टूडेंट्स क्या है 1 ओवर एन, तो ये स्टूडेंट्स क्या था यानी 1 ओवर एन विच इज इक्वल टू क्या था 1 ओवर 2 के इक्वल था, तो इसका मतलब है कि यहां से एन की वैल्यू हमें क्या मिली 2 मिली, एन इज इक्वल टू 2। तो यहां पर है कि कॉस एम ओवर एन, ठीक है एम ओवर एन, तो यहां पर आना था स्टूडेंट आगे थीटा प्लस 2 के पाई, जब के इज इक्वल टू 0 होगा तो थीटा हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स पाई बाय 2 है, थीटा क्या है यहां पर पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 प्लस 0, तो सिंपल स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा सिंपल पाई बाय 2 आ जाएगा, तो पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 2 यानी एम ओवर एन, एम क्या है 3 है, एन यहां पर क्या है 2 है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सिंपली ये क्या आ जाएगा 3 पाई ओवर 4। तो ये मैंने डायरेक्ट यहां पर लिख लिया कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह फिर आप स्टूडेंट यहां पर के की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये बन जाता है कॉस 15 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 15 पाई बाय 4। इस तरह स्टूडेंट हमने इसको सॉल्व किया, आप इसको भी सॉल्व कर लें, जब आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट हमने फिर क्या करना है कि
ये चीज हमने स्टूडेंट कैलकुलेट करनी है। तो फिर हमने स्टूडेंट्स क्या कैलकुलेट करना था, फिर हम बी पार्ट में देखते हैं, हमने ओमेगा क्यूब कैलकुलेट करना है, फिर हमने ओमेगा क्यूब की पावर 1/2 कैलकुलेट करनी है, और फिर हमने स्टूडेंट्स कंपेयर करना है विद बी। ठीक है, हमने इस बी के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखते हैं इसको, पहले हम ओमेगा क्यूब कैलकुलेट करते हैं। ओमेगा क्यूब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, ये देखें यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या है, सॉरी आयोटा क्यूब हमने कैलकुलेट करना है। पहले हम इस आयोटा को देख लेते हैं, तो आयोटा इसकी ये पोलर फॉर्म है, आयोटा विच इज इक्वल टू कॉस 5/2 प्लस आयोटा साइन 5/2। तो आयोटा क्यूब क्या होगा, यहाँ पर सिंपल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 था, तो जब आप आयोटा क्यूब लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी हम बाय यूजिंग डी मोबियस थ्योरम, ठीक है, डी मोबियस थ्योरम इसको यूज करते हैं, हम ये यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा कॉस 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2। तो आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, कॉस 3π/2 ये क्या होता है, 0 होता है, और आयोटा साइन 3π/2 ये क्या होता है, -1 होता है। तो ये सिंपल क्या आ जाएगा, नेगेटिव आयोटा। वी ऑलरेडी नो दैट आयोटा क्यूब किसके इक्वल है, माइनस आयोटा क्यूब। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर हम स्टूडेंट्स इसी की आयोटा क्यूब की पावर कैलकुलेट करेंगे 1/2। तो इसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एन को यहाँ पर 2 पुट करेंगे, आर को 1 पुट करेंगे, थीटा पुट करेंगे 3π/2, और के की वैल्यू 0/1 पुट करेंगे। ठीक है, तो जब आप के की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है, कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। तो इसकी वैल्यूज पुट करें, यहाँ पर ये वैल्यूज आती हैं। इसी तरह फिर आप के की वैल्यू 1 पुट करें, तो कॉस 7π/4, देखें यहाँ से एम की वैल्यू, यहाँ पर अगर आप देखें तो एम हमारे पास 3 है, और एन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है 2 है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 1/2 की पावर 3, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। जब आप इस तरह लिखेंगे तो यहां से देखें, तो यहां से 1/2 को आप रखेंगे एम के इक्वल। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एम की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, फिर आप रखेंगे 1/n को 3 के इक्वल रखेंगे, तो यहां से आप एन की वैल्यू लेंगे तो वो आ जाएगी 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप m की वैल्यू चूज कर सकते हैं, या आप ये भी m चूज कर सकते हैं, m3 चूज कर लें, n2 चूज कर लें, तो ये भी क्या है, सेम चीज है। n हमने 2 पुट किया है, m को 3 पुट किया है, r को 1 पुट किया है, थीटा 3π/2 पुट किया है, और k पुट किया है 0। तो जब आप k इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो देखें यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यानी 3/2 इंटू थीटा हमारे पास क्या है, 3π/2 है स्टूडेंट्स, 3π/2 प्लस 2π। ठीक, जब आप इस सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है 7। ठीक है, तो ये सिंपल बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, इसको आप यहां पर नहीं लिखेंगे फिलहाल, तो ये सिंपल लिखेंगे आप स्टूडेंट 7π/4 प्लस आयोटा 7π/2। देखिए आप इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है 4 प्लस 3 7 7 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर 21 होना चाहिए, 21 आप लिखेंगे, यहाँ पर भी 21 लिखेंगे, बाय 4 तो वैसे आप लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ये आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आएगा 1/2 square root -1/2 square। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप इन वैल्यूज को कंपेयर करें और इन वैल्यूज को कंपेयर करें, देखिए ये वैल्यूज जो मैं अभी टिक कर रहा हूँ और ये वैल्यूज, ये दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब ये होगा कि आयोटा क्यूब की पावर 1/2 विच इज इक्वल टू आयोटा की पावर 1/2 कब क्यूब, ये दोनों क्या होंगे, सेम है। ये चीज हमने स्टूडेंट यहाँ पर शो कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट इसका सी पार्ट देखते हैं, हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है
टोयोटा की पावर 3/3 वाट वो मेरे को देखें यहाँ पे स्टूडेंट क्या कैलकुलेट करना है सी पार्ट में कि आयोटा की पावर 3/3/2 ये हमने कैलकुलेट करना बाय यूजिंग फार्मूला 5। तो इस 5 को यूज करते हुए हमने स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करना है। तो देखें इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर हमें पता है कि आयोटा इसके इक्वल ठीक है। तो सब्सिट्यूटिंग एन इज इक्वल टू 2, एम इज इक्वल टू 3, आर इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 5/2, के इज इक्वल टू 0/1, तो यहाँ पर हमें वैल्यूज मिल जाए। पहले हमें ओमेगा नॉट मिलेगा, यहाँ पर जब आप के 0 पुट करेंगे, देखिए जब आप के 0 पुट करते हैं यानी थीटा प्लस यहाँ पर था 2k π और एन था ठीक है स्टूडेंट्स। एन देखें यहाँ पर 2 के इक्वल है और यहाँ पर हमने रख लिया कॉज एम ओवर एन इन टू थीटा प्लस 2k π, यहाँ पर एन नहीं है तो एन क्योंकि हमने शुरू में लिख लिया है यह है 3/2 इन टू यानी एम ओवर एन ठीक है। फॉर्मूला 5 हमारे पास क्या था देखते हैं, फॉर्मूला 5 ये हमारे पास कि एम ओवर एन इन टू थीटा प्लस 2k π। जब आप ये लिखेंगे तो यहाँ पर देखें यहाँ पर आ जाएगा कॉज 3/2 इन टू 5/2 ठीक है, के हम 0 ले रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ थीटा आ जाएगा प्लस आयोटा साइन 3/2 इन टू 5/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे। इस तरह जब आप के को 1 पुट करेंगे इसे सॉल्व करें तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे ठीक है स्टूडेंट। जब आप इस फार्मूले के साथ यूज करते हैं फार्मूला 5 यूज करते हैं तो दोनों सूरत में हमारे पास रिजल्ट क्या आते हैं सेम आते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या आ रहे हैं सेम आते हैं ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पर हमने यूजिंग 5 फार्मूला 5 ये हमारे पास क्या है फार्मूला 5 है जो पर गिवन है फाइंड ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर या डब्ल्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा की पावर 5। तो इसकी हमने तमाम सॉल्यूशन फाइंड करनी है बाय यूजिंग रिजल्ट नंबर 5। तो इस रिजल्ट को यूज करते हुए हमने इसके तमाम सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो देखें तो यहां से स्टूडेंट्स हम इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम क्या लेंगे पावर लेंगे 1/2 लेंगे। तो यहां पर भी हमें लेनी पड़ेगी पावर 1/2 लेनी पड़ेगी। तो सिंपल बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा की पावर 5/5 की पावर 1/2। तो इसको आप लिख सकते हैं 5/2 भी लिख सकते हैं। तो यहां से स्टूडेंट हमें क्या मिला कि m की वैल्यू हमें 5 मिली है, m की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू क्या है 2। देखिए यहां पर है ये चीज, अगर इस चीज को मैं ओपन करूं तो मेरे पास क्या आता है r की पावर m की पावर 1/n। तो हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स r की पावर m ओवर n ये भी लिख सकते हैं ठीक है। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर ये m आ जाएगा और ये नीचे n आ जाएगा। यहां पर है स्टूडेंट्स ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये इसकी आ जाएगी पावर 5/2। यहां से m 5 है n 2 है ठीक है। थीटा यहां से क्या आ रहा है, फिर हम क्या करेंगे इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसकी पोलर फॉर्म क्या आएगी 2√ n 2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास r की ये वैल्यू है और थीटा की ये वैल्यू आती है, m n की ये वैल्यू आती है। फिर आप क्या करेंगे इसका पहला सॉल्यूशन फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स ये 2 आ रहा है तो हम इसके क्या करेंगे 2√ फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर हम 2 ले रहे हैं तो इसके क्या आएंगे 2√ आएंगे, इस इक्वेशन के सिर्फ क्या आएंगे 2√ आएंगे। तो आप यहाँ पर 2√ फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा 5/2 इसकी पावर 1/2 ठीक है स्टूडेंट्स। सिंपल बन जाएगा 5/4 बन जाएगा। तो फिर हम स्टूडेंट्स यहाँ क्या करेंगे कॉज m ओवर n, तो m हमारे पास 5 है n 2 है इन टू 3π/4 बिकॉज हम
के जीरो रख रहे हैं, तो जब आप के जीरो रखते हैं तो सिंपल यहाँ पर थीटा ही आता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखें यहाँ पर हमें ये वैल्यू मिल रही है 2.2, ठीक है, माइनस 0.91, ठीक है, आयोटा। ये हमें पहला सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, ये पहला रूट है, तो इसी का इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इसी तरह फिर आप k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, बाकी प्रोसीजर सेम है, सिंपल आ जाएगा यहाँ पर 2 पाई ऐड हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5/2 इंटू कॉस 55 पाई/8 प्लस एटा साइन 55 पाई/8। तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ये आती है -2.2 प्लस 0.91 आयोटा। तो अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 2.2 प्लस माइनस 0.91 आयोटा, यानी एक ये सॉल्यूशन आ रहा है और इसका ये सॉल्यूशन आ रहा है। तो ये हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 26 तक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।